इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी भारत की यात्रा को दोनों देशों के मैत्री संबंधों के नए युग की शुरुआत बताते हुए आज कामना की कि इससे हमारे लोगों के लिए शांति, समृद्धि और प्रगतिशील साझेदारी विकसित होगी। नेतन्याहू ने आज सुबह यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मि स्वागत के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में ये भावना व्यक्त की। नेतन्याहू को गार्ड ऑफ ऑनर। अपनी यात्रा के आधिकारिक कार्यक्रम के आरंभ में नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नेतन्याहू को तीनों सेनाओं की संयुक्त टुकड़ी ने दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुनों पर सलामी पेश की। मैत्री संबंधों का नया युग शुरू। नेतन्याहू ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि ये भारत एवं इसराइल की मित्रता के नए युग की प्रभात वेला है। यह प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक इसराइल यात्रा के साथ आरंभ हुआ है जिसमें एक काबड़दस्त उत्साह पैदा किया है। यह उत्साह मेरी यात्रा के साथ बरकरार है जिसमें मैं, मेरी पत्नी और इसराइल के लोग बेहद अभिभूत हैं। दोनों देशों के बीच हमारे लोगों के लिए शांति, समृद्धि। HCN न्यूज़ की रिपोर्ट।